But if I lay down and I play dead and I stay dead हेलो फ्रेंड वेलकम बैक इन माय चैनल आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे इससे पहले अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने जो मेन फैब्रिक लिया है वो जॉर्जट फैब्रिक है और ये जॉर्ज फैब्रिक मैंने टोटल फाइव मीटर लिया हुआ है साथ ही ये मैंने जो लाइनिंग ली हुई है ये कॉटन है और कॉटन फैब्रिक मैंने लाइनिंग के लिए तीन मीटर लिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग लाइनिंग पे करेंगे तो लाइनिंग पे सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है तो कपड़ा विर्थ में डबल फोल्ड है इसे एक फोल्ड और करेंगे इस तरह से अभी हमारे ये फोर फोल्ड हो गए हैं यहाँ से हम अपना टॉप का पार्ट निकालेंगे मैं इसमें थर्टी सिक्स जे साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ तो सबसे पहले यहाँ से देखिए जो कपड़ा फोर फोल्ड में है वो करीब पौने ग्यारह इंच है फोर फोल्ड में और इसके बाद कपड़े को यहाँ से पहले बराबर कर लेंगे स्ट्रेट लाइन बना के और यहाँ से जो टॉप पार्ट की लेंथ मैं रखूँगी वो 15 इंच रखूँगी बनने के बाद ये 14 इंच की रेडी होगी किसी भी साइज़ के लिए लेंथ 15 इंच रखेंगे हम अगर आप हैवी साइज बना रहे हैं तो 15.5 इंच रख सकते हैं अभी यहाँ से कपड़े को हम कट कर लेंगे इस तरह से ऊपर से भी कपड़े को हम बराबर कर लेंगे उसके बाद टॉप पार्ट के लिए हम आगे का निशान बनाएंगे इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है ये फोर फोल्ड में है लेंथ फिफ्टीन इंच और विथ में ये करीब पौने ग्यारह इंच है तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर मार्क करेंगे तो बंद वाले साइड से शोल्डर के लिए मैं यहाँ सेवन इंच मार्क कर रही हूँ और आर्म होल के लिए भी हम सेवन इंच मार्क करेंगे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना के दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से और इसके बाद हमें चेस्ट मार्क करनी है तो मैं इसमें थर्टी सेक्स तो इसमें मैं थर्टी सिक्स चेस्ट साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ तो उसका वन फोर्थ हो जाएगा नाइन इंच और करीब डेढ़ इंच का हम मार्जिन इसमें ले लेंगे और यहाँ पे वेस्ट के लिए ट्वेंटी एट वेस्ट साइज़ के लिए इसका वन फोर्थ सेवन इंच होगा एक इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जिसमें हमें डॉट्स बनाने हैं और डेढ़ इंच का मार्जिन ले लेंगे तो टोटल में यहाँ पे 9.5 इंच मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है मिला लेंगे यहाँ ऊपर तक हल्की सी यहाँ पे इस तरह की गोलाई मार्क कर लेंगे नीचे की साइड उसके बाद आर्म होल में गोलाई मार्क करेंगे कर तो 1.5 पे पर मैंने निशान लगाया है इस तरह से ये बैक के लिए होगा और फ्रंट के लिए हम हाफ इंच अंदर से इस तरह से निशान बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम नेक की विर्थ मार्क करेंगे तो नेक की विथ मैं इसमें थ्री इंच रख रही हूँ थ्री इंच पर मार्क किया है स्लोप देंगे शोल्डर पे हाफ इंच की और इसे हम कट कर लेंगे सबसे पहले हम बैक का होल कट करेंगे तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है इसमें से एक पार्ट हटा लेंगे जो हमारा बैक का पार्ट होगा ये बैक का पार्ट होगा और ये दूसरा हमारा फ्रंट का पार्ट होगा तो दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं अभी हम इसमें इसकी नेक कट करेंगे तो सबसे पहले इसमें बैक की नेक कट करते हैं विथ थ्री इंच हमने रखी थी और नेक डीप के लिए भी मैं इसमें थ्री इंच मार्क कर रही हूँ बैक के लिए आप अप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं राउंड शेप मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे बैक पार्ट हमने कट कर लिया अभी फ्रंट की नेक कट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ आर्म होल कट कर लेते हैं फ्रंट की और इसके बाद हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे तो वर्थ इसमें भी थ्री इंच है और नेक डीप के लिए मैं इसमें फाइव इंच मार्क करूंगी क्या पे मैंने फाइव इंच पे मार्क कर लिया इसमें भी हम राउंड शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे तो इस तरह से हमने ये कट कर लिया फ्रंट का पार्ट अभी मेन फैब्रिक पे हमें ये दोनों पार्ट कट कर लेने हैं फ्रंट और बैक के तो खोल के रख लेंगे और इस तरह से मैंने कट कर लिया है मेन फैब्रिक से तो अभी बैक के पार्ट को हटा लेंगे ये हमारा फ्रंट का पार्ट है इसके बाद ये देखिए पैटर्न बनाने के लिए मैंने ये नेट फैब्रिक ले लिया है सेम फ्रंट पार्ट के नाप की एक पार्ट हम कट कर लेंगे सिर्फ फ्रंट पार्ट के नाप से कट करनी है ठीक उसी बराबर हम ये पार्ट कट कर लेंगे तो उस तरह से मैंने कट कर लिया अभी देखिए टोटल हमारे पास ये तीन लेयर्स हैं फ्रंट पार्ट के लिए और इसके बाद हमें एक पार्ट और कट करना है फ्रंट पार्ट के लिए ही वो जब मैं स्टिच करूँगी फिर आपको समझ में आ जाएगा तो एक पार्ट मैंने ये कट करके रख लिया है मेन फैब्रिक से और उसे भी साइड में रखेंगे और इसकी सभी सीधी वाली साइड नीचे की साइड रखनी है सबसे पहले मेन फैब्रिक रखना है उसके बाद लाइनिंग रखनी है और दोनों की सीधी साइड नीचे की साइड है और इसके बाद सबसे ऊपर हमें ये नेट फैब्रिक रखना है और इसकी भी सीधी साइड नीचे की साइड होनी चाहिए इस तरह से बराबर से रखेंगे और नेक में सिलाई लगा लेंगे तो नेक की सेप में सिलाई लगा ली है अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नेक में उसे हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से देखिए कट कर लिया है छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे इस तरह से और जो ये नेट फैब्रिक है इसे हम पलट के ऊपर की, की साइड कर लेंगे अभी देखिए इन सभी की जो सीधी वाली साइड है वो ऊपर की साइड आ गई है इस तरह से हमें रख लेना है और उसके बाद चारों तरफ से हमें सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेना है इसके बाद ये देखिए लाइनिंग को हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है नीचे का पार्ट हम अम्ब्रेला कट करेंगे और यहाँ पे हम इसकी वेस्ट कट करेंगे तो वेस्ट के लिए वेस्ट का वन फोर्थ लेना है और उसमें एक इंच एक्स्ट्रा ले लेना है तो टोटल मैंने यहाँ पर एट इंच इस तरह से मार्क कर लिया ट्वेंटी एट वेस्ट साइज के लिए अभी यहाँ से नाइन पॉइंट फाइव इंच आ रहा है तो गोलाई में इस तरह से मार्क कर लेंगे वेस्ट मार्क कर ली हमने इसके बाद इसकी हम लेंथ मार्क करेंगे बॉटम की तो 14 इंच पहले ऊपर छोड़ देंगे 14 इंच हमारे टॉप का पार्ट है और यहाँ से इसकी जो लेंथ आ रही है वो हमें करीब 47 इंच की मिल रही है तो 47 इंच को हम इस तरह से गोलाई में मार्क कर लेंगे और इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे कि हमने कट कर लिया यहां से वेस्ट भी कट कर लेंगे और यहां हमारा बचा हुआ फैब्रिक है तो यहां से देखिए एक पार्ट हमें फ्रंट के लिए और निकालना है तो ये जो हमने एक पार्ट कट करके रखा था मेन फैब्रिक से उसको देखिए इस तरह से रख लेना है बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए और इस तरह से रखने के बाद सेम इसी नाप का हम इसे कट करेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है और इसके बाद हम इस पर मार्किंग करेंगे तो इसमें जो हम नेक की वर्थ रखेंगे वो हम एक इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जैसे हमने उस पार्ट में थ्री इंच रखा था तो यहाँ पे नेक की वर्थ हम फोर इंच रखेंगे वन इंच एक्स्ट्रा रखनी है इसके बाद यहाँ से देखिए हमने प्लेट्स के निशान के लिए एक्स्ट्रा लिया था वो हम इसमें से कटा देंगे यानी एक इंच हम यहाँ से कम कर देंगे और इसको कट करके निकाल देंगे क्योंकि इस वाले पार्ट में हमें प्लेट्स नहीं लगानी है तो उस तरह से हमने निकाल लिया और इसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड से हम फोर इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से वर्थ में फोर इंच मार्क करेंगे और इसमें सेप देंगे गुलाई में तो इस तरह से देखिए इस तरह से गुलाई मार्क कर लेनी है आप अपने अकॉर्डिंग से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया और यहाँ से देखिए हमें करीब 1.5 इंच मार्क कर लेना है और इस तरह से सेप मार्क कर लेनी है हल्का सा घुमाते हुए और इसे हमें कट कर लेना है तो ये हमने पैटर्न कट कर ली फ्रंट के लिए अभी देखिए हम इसे खोल के रखेंगे ये इस तरह से आएगी टॉप पार्ट के ऊपर और अब हम इसे स्टिच करते हैं तो सबसे पहले मेन फैब्रिक वाला पार्ट ले लेंगे और इसमें मैंने ये फैब्रिक डोरी बना ली है जिसके हम लूप्स इसमें बनाएंगे तो इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए पहले हम इसे स्टिच कर लेंगे तो यहाँ से करीब वन वन इंच की डिफरेंस पे हम ये लूप्स इसमें अटैच कर लेंगे दोनों साइड में हमें अटैच करना है तो इस तरह से रखना है और इसे हमें इसमें सिलाई लगा के स्टिच कर लेना है इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है अभी लाइनिंग जो है वो उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और किनारे से होते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है अभी छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे इस तरह कट्स लगाते टाइम सिलाई का ध्यान रखें सिलाई ना कटे उसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे अंदर की साइड अब हमारे ये लूप्स देख लीजिए बाहर की साइड आ जाएंगे इस तरह से और मेन फैब्रिक भी ऊपर की साइड आ जाएगा और यहाँ पे देखिए मैंने ये लेस अटैच कर ली है इसमें अब देखिए ये इसके ऊपर इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो अभी नीचे वाले पार्ट में हमें इसमें डॉट्स बनाने हैं तो हमने सान लगा लेते हैं तो बंद वाली साइड से यहाँ पे फोर इंच पहले मार्क करेंगे और ऊपर से ये निशान हम टेन पॉइंट फाइव इंच पे लगाएंगे इस तरह से वन इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो हाफ़ हाफ इंच दोनों साइड इस तरह से मार्क करते हुए हम यहाँ पे निशान बना लेंगे दूसरी साइड भी ये निशान बना लेंगे इस तरह से इसे डार्क कर लेते हैं और इसी निशान पर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे ये बैक के पार्ट में भी हम ये निशान बना लेंगे और इनपे भी हम सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम सेट कर लेंगे इसे और इस तरह से सेट करने के बाद हम किनारे किनारे से इसे सिलाई लगा के एक साथ स्टिच कर लेंगे इस तरह से अब इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है और ये बैक पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है तो यहाँ इसके शोल्डर हम स्टिच कर लेंगे इसके बाद स्लीव के लिए देखिए मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड में रखा है और स्लीव की जो लेंथ मैं रखूँगी वो करीब ट्वेंटी टू इंच की रखूँगी तो कपड़ा कम यूज़ हो तो इसलिए यहाँ से जो स्लीव की लेंथ है वो नीचे की साइड मैं कपड़ा अटैच उसमें में जॉइन करके लगा लूँगी तो यहाँ से सिक्सटीन पॉइंट फाइव इंच मैंने स्लीव के लिए मार्क कर लिया है और नीचे से हम कपड़ा जॉइन कर लेंगे क्योंकि बॉटम के लिए कपड़ा हमारा कम ना हो जाए इसलिए मैंने स्लीव के लिए यहाँ पर कम कपड़ा थोड़ा सा यूज़ किया है यहाँ से थ्री इंच मार्क करेंगे और स्लीव की सेप मार्क करेंगे जैसे हम नॉर्मल स्लीव कट करते हैं इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे तो इस तरह से मैंने यहाँ कट कर लिया है अभी इसे खोल के रखेंगे और फ्रंट साइड के स्लीव में हम हाफ इंच की गहराई मार्क करेंगे तो इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से हमने कट कर लिया है और इसके बाद हम बॉटम कट करेंगे मेन फैब्रिक में तो फैब्रिक को मैंने जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसको फ़ोर फोल्ड में रखा हुआ है और फोर फोल्ड में जो ये कपड़ा है वो यहाँ से देखिए ये थर्टी एट इंच है यानी थर्टी एट इंच तक कपड़े को हमने फोर फोल्ड कर लिया है अभी इसमें हम वेस्ट मार्क करेंगे तो वेस्ट के लिए देखिए ऊपर से करीब यहाँ पे पौने पाँच इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ ट्वेंटी एट वेस्ट साइज़ के लिए इस तरह से गोलाई में मार्क कर लेंगे और इसके बाद इसकी हम देखिए यहाँ से लेंथ मार्क कर लेंगे तो जितना कपड़ा है ये जितनी भी लेंथ आ रही है वो मैं टोटल मार्क कर रही हूँ ये थर्टी थ्री इंच की आ रही है तो इस तरह से हम थर्टी थ्री इंच को गोलाई में मार्क कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे तो बॉटम इस तरह से मैंने कट कर लिया है काफ़ी अच्छी घेर इसमें आएगी अभी दोनों साइड से इसे सिलाई लगा के बंद कर देंगे और जो लाइनिंग हमने कट की है उसे भी हम दोनों साइड से सिलाई लगा के बंद कर देंगे तो इस तरह से सिलाई लगा के मैंने बंद कर दिया है अभी लाइनिंग को अंदर की साइड रखेंगे इस तरह से और वेस्ट से सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से और यहाँ टॉप पार्ट के लिए सबसे पहले हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे तो स्लीव देखिए मैंने तैयार कर ली है जहाँ जॉइंट आया है वहाँ पे हमने लेस लगा के इस तरह से पैटर्न बना ली है स्लीव के लिए और इसकी लेंथ देखिए मैंने करीब ट्वेंटी टू इंच की तैयार कर ली है अभी हम इसमें अटैच करेंगे तो इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं और जो फ्रंट साइड की स्लीव है वो हमें फ्रंट साइड में अटैच करनी है इसका ध्यान रखना है यहाँ सेंटर मार्क कर लिया और यहाँ पे अटैच इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे दोनों स्लीव को इसी तरह से इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है स्लीव की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम फिटिंग के निशान मार्क करेंगे तो यहाँ पे सेंटर मार्क कर लेंगे चेस्ट और वेस्ट दोनों का और सेंटर मार्क करने के बाद सेंटर से एक साइड चेस्ट का वन फोर्थ तो मैं नाइन इंच पे मार्क कर रही हूँ वेस्ट का वन फोर्थ इस तरह से मार्क कर लेना है दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का वन फोर्थ मार्क कर लेना है इसके बाद यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे तो वो मैं फोर इंच मार्क कर रही हूँ इस तरह से देखिए नशान बना लेना है दूसरी साइड भी हम स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे इसके बाद इसी निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है अभी हम इसमें बॉटम का पार्ट अटैच कर लेंगे तो इस तरह से देखिए रखना है इसे साथ ही तो मैंने देखिए इसके घेर में लेस अटैच कर ली है और लाइनिंग की भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है इस तरह से देखिए दोनों साइड मिला के रखनी है और इसमें सिलाई लगा लेनी है तो मैंने और बॉटम को अटैच कर लिया है यहाँ पे सेंटर मैंने ये डोरी और लटकन अटैच कर लिया है हमारा ये ड्रेस बन के तैयार है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा थैंक यू